साइंस हम 25 एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। चलिए देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द लाइब्रेरी कमेटी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस रिव्यू, न्यू जॉब इम्प्रूवमेंट प्लान एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर थ्री ऑफ द स्टेप ऑफ एमबीओ। और एमबीओ को किसने किया था? पीटर डाकर ने क्रिएट किया था। ठीक है, एमबीओ का फुल फॉर्म क्या है? एमबीओ का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरी वाई लेज इम्फेस ऑन लेस एक्सटर्नल कंट्रोल मोर सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, और इन जो थ्योरी वाई थी, बेसिकली थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई थी, जो कि क्रिएट बाय है डॉगलस मैकग्रेगर। ठीक है, डॉगलस मैकग्रेगर ने है। यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, टू फैक्टर्स थ्योरी इज इन्वॉल्व बाय मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मेथड यूजफुल इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज डायरी मेथड, इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इज कॉन बाय, डिमांड जो थ्योरी थी वो किसने कॉन की थी? तो उसका राइट आंसर है एल आर मैक्लोरिन। ठीक है, ये अप्रॉक्स है 1930 में। ठीक है, बजट क्या है? बजट है फाइनेंशियल मेथड। ठीक है, फाइनेंशियल मेथड है। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल मेथड की जगह हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर्स ग्रोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू बॉटम। सॉरी, ऑर्डर्स जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है, मतलब हाई अथॉरिटी से लो अथॉरिटी तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GOC stands for गुड ऑफिस कमेटी। क्या है? गुड ऑफिस कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक कार्ड इज प्रिपेयर्ड इन थ्री कार्ड सिस्टम। ठीक है, थ्री कार्ड सिस्टम में ये प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइब्रेरी अथॉरिटी जो है वो क्या इंडिकेट्स करती है? तो वो इंडिकेट करती है गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड मींस ऑल पावर टू वन पर्सन। ठीक है, ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये हेनरी फिलॉय के 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स क्या अवॉइड कर रहा था? तो वो अवॉइड कर रहा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैकग्रेगर की थ्योरी वाई भी है। ठीक है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉब एनालिसिस इज एनालाइजिंग द जॉब इनटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आइटम्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। रिमाइंडर स्टैंड्स फॉर इसका राइट आंसर देख लेते हैं।
इसका राइट आंसर है हैवी डिस्काउंट ऑन द बुक्स टू द लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर, ठीक है, जो लोअर है वो यहाँ पर ऑड है, यहाँ लिखा है मार्क द ऑड वन। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप होता है, मिडिल होता है और ऑपरेशनल होता है, लोअर जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PERT स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UGC ग्रांट्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग एंड इसका राइट आंसर है एडहॉक, रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग और एडहॉक, ठीक है। PPBS स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क सिस्टम फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंटेन्स, जो नेटवर्क की सिस्टम थी वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कहाँ यूज़ होता है, सर्कुलेशन पे यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर है बोरोइंग कार्ड, ठीक है। क्या कंटेन करती थी, बोरोइंग कार्ड, क्योंकि सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन नेटवर्क सिस्टम जो है वो यूज़ कहाँ होता है, सर्कुलेशन में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज वॉज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, कब एडवाइजरी कमेटी जो है वो सेटअप हुई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1957। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमाउंट इज एलोकेटेड टू ईच प्री डिटरमाइंड आइटम इन, ऑप्शन बी, लाइन बाय लाइन बजटिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नीना एफ ब्रोवेन डिवाइज द डिवाइस, उन्होंने क्या बनाया था देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे, ऑप्शन सी, रीडर टिकट्स बुक टिकट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिन्यूइंग लाइब्रेरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा ये जो कंसेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था एटकिंसन ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु गिव दिस स्लोगन बेस्ट बुक फॉर द लीस्ट लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट, तो ये मेलविल डेवी ने दिया था, ठीक है। तो हमारे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश आउट हो गए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।